हम बना रहे हैं झटपट कढ़ाई। अच्छा, और इसमें हम टमाटर, हाँ, हरी मिर्चें, जिंजर और लहसुन, अच्छा, ये सब कुछ इस ज़्यादा में डालेंगे। सही, हमें झटपट से इसको ब्लेंड कर देना। ओके, सही। तो इसको काटने की जरूरत है या साबुत भी कर सकते हैं? आप बड़े बड़े स्लाइसेस भी काट सकते हैं, पर घर की खवातीन को देर लगती है, वो ऐसे भी कर सकती हैं, पर हमें टाइम नहीं लगता ज्यादा, तो हम इसीलिए कटिंग करके भी कर लेते हैं, पर कोई ऐसा इशू। ठीक, आप कर सकते जी। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि मौज़म मलिक इस वक्त बनाने जा रहे हैं झटपट कढ़ाई बना रहे हैं, नहीं हम इसको कढ़ाई कह सकते हैं, झटपट हांडी, झटपट ग्रेवी, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, चिकन और मटन कुछ भी आप बनाना चाहें तो इस मेथड पे बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं व्यूअर्स, इसको हम कटिंग करेंगे और इसके बाद इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देंगे। तो बाकी की चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ, और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मौज़म मलिक तारिक, शेफ मौज़म मलिक तारिक की रेसिपी झटपट चिकन ग्रेवी, चिकन हांडी और वट एवर वट यू वॉन्ट टू सेट और कॉल इट आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारा कंसर्न है खाना बनाना और उसे मज़े से खाना। तो बाकी चलते हैं हम इसके अगले स्टेप्स की तरफ। तो देखते हैं मौज़म मलिक क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे, ठीक है? तो व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा, हम आपको दिखाते हैं आज की अपनी रेसिपी, और जो कि बहुत ही मज़ेदार है। आप रेसिपी अपनी सहरी के लिए बहुत मज़े से पराठे के साथ आप खा सकते हैं, आ रहे हैं। चलो, और ये एक मजेदार सा पेस्ट तैयार हो गया सब चीजों। वाओ, ये ऑयल आ गया इसमें। ओके, जल्दी 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 बताना। अब जैसे कि हमने अपना सब कुछ अदरक लहसुन पेस्ट का चीज मिक्स कर लिया। ओके, ये आ गया हमारा मिक्स। ओके, यानी कि इसमें हमने सारा मसाला ऐड किया। कितना कलर है। तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं, ये अब आप पानी डाल रहे हैं जग में से मसाला सारा समेटने के लिए। वाओ, यानी कि आप किफायतशार बहु बनेंगे। गुड, अब आप इसको भूनेंगे मेरे ख्याल से। पहले हम इसमें जो पाकिस्तानी की बेसिक्स, हाँ, थोड़ा सा आप लाउड बोलेंगे तो मेरे व्यूअर्स अच्छे से जी, देख लेंगे। हमने इसमें लाल मिर्च ऐड कर दी। क्वांटिटी बताएंगे? अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून। ओके, इसको मैं निकाल दूं? जी। और इसमें हल्दी ऐड कर दी। हल्दी के बेनिफिट्स आपको सबको पता है अच्छी तरह। ओके, हल्दी आपके अंदर के जख्म हटती है। दैट्स कूल। अच्छा, सॉल्ट हमेशा जैसे कि हमारी अम्मा कहती थी कि हाथ से नमक डालें तो उसमें फ्लेवर भी आता है। फ्लेवर भी आता है। ओके, तो आप उस बात को मानते हैं जी। देखिएगा, एक आ गया जबरदस्त सा कलर। नाइस, अब आप इसको भुनाई करेंगे। कूल, और चिकन दिखा दें आप। चिकन आपने फ्राई करके रखा हुआ है यहाँ पे मेरे ख्याल से। ओके, तो इसे बहुत ही फिट किस्म का आपने ब्राउन कलर दिया चिकन को, ऐसे ही है? सही। तो आप इसमें दही नहीं डालेंगे क्या? दही आप बाद में लगाएंगे। ओके, और मेरे ख्याल से उस टाइम हम धनिया, तो इतनी देर आप इसकी गार्निश को रेडी कर लें मेरे ख्याल से, इतनी देर ये पक रहा है। डन जी। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इसको हम हल्की हीट पे थोड़ी देर पकने देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से कुक हो जाए, और प्याज है जैसे इसमें। तो हम चलते हैं गार्निश की तरफ। तो लेट्स सी शेफ मौज़म गार्निश में क्या डाल रहे हैं। और ये मौज़म मलिक तारिक साहब जिंजर को पील ऑफ कर रहे हैं, और सही जो अमीर शेफों वाली हरकत कर रहे हैं, इसका इतना इतना वेस्ट निकाला है इन्होंने, इस पे तो लड़ाई होनी है मेरी इनसे बाद में। वो हम इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे जी, इसको आप ड्राई करके इसका जिंजर पाउडर बनाएंगे। ओके, गॉट इट। तो ये देखे जी, ये बना रहे हैं इसको जूलियन कट, जूलियन जी। तो व्यूअर्स जिन्हें नहीं पता, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और कुकिंग से दूर दूर तक ना वाकिफ हैं, उनको हम बता दें कि किसी भी चीज़ को थिन स्लाइस करने के बाद उसको बारीक बारीक तीलियों की शक्ल में काटने को जूलियन बोला जाता है। एम आई राइट? ओके, तो ये देखें
जरा आप थोड़ा सा आहिस्ता अगर कटिंग करें तो मेरे व्यूअर्स देख लेंगे कि आप क्या आपकी फॉर्मेशन है नाइफ की। ये बेसिकली चाइनीज चॉपर से कटिंग कर रहे हैं और ये बहुत शार्प होता है, ध्यान से कटिंग करनी है जिसने भी करनी है। तो ये हमारा जिंजर बहुत ही फाइन किस्म का जूलियन हो गया, जो कि अगर कच्चा भी मुंह में आए तो बुरा नहीं लगेगा। आप इसे प्लीज़ ऊपर थोड़ा सा उठा कर ड्रॉप करें ताकि मेरे व्यूअर्स को पता चले। जी गुड, तो ये हो गया है जनाब जिंजर। और मादम आपको पता है ये मैं बेसिकली बड़ी फॉर्मल सी वीडियो शूट करता हूँ यूट्यूब के लिए, लेकिन आज मेरा दिल किया कि थोड़ी सी हम रफ सी वीडियो और हम अपनी रूटीन लाइफ को शेयर करें अपने व्यूवर्स के साथ। तो ये बेसिकली हम व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ, ये हम खाना जो अभी पका रहे हैं ये हम बना रहे हैं बेसिकली अपनी सहरी के लिए, और जो हमारा स्टाफ है उसकी उसका डिनर हो जाएगा और हमारी सहरी का भी इंतज़ाम होगा। तो ये देखें, जैसे आप देख रहे हैं इसमें ग्रीन चिलीज़ बहुत फ़ाइन किस्म की इन्होंने स्लाइसिस कर ली हैं मौज़म ने, और इसके बाद देखते हैं अब ये फ्रिज में से ढूंढ ढूंढ के चीज़ें ला रहे हैं, तो लेट्स सी ये क्या क्या ढूंढते हैं और क्या क्या डालते हैं। और मज़े की बात बताऊँ, मज़ेदार बात यही है व्यूअर्स के जो हम लोग अपने लिए खाना बनाते हैं उसमें हम बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अच्छा, तो अब ये मौसम इसको एक अच्छा अरोमा देने के लिए मिंट को भी, बेसिकली मुझे पर्सनली खुद मिंट बहुत पसंद है। एग्जैक्टली बड़ा रिफ्रेशिंग सा। मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं, पाकिस्तानी खानों के जो गार्निश इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें धनिया, पुदीना, ग्रीन चिलीज, फाइन जूलियन, जिंजर हो गया, ब्राउन अनियंस हो गए, ये बहुत ही नॉर्मल सी इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे आप अपने खाने को बहुत बेहतरीन किस्म का अच्छा अरोमेटिक फ्लेवर दे सकते हैं। अरोमेटिक एक वर्ड मैं यूज़ करता हूँ अक्सर अपनी वीडियोज़ में, तो जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताता चलूँ कि जो खाना होता है उसके लिए हम वर्ड स्मेल नहीं यूज़ करते, क्योंकि बैड एंड गुड दोनों मीनिंग्स में लिया जाता है स्मेल को, तो खाने की खुशबू को अरोमा बोला जाता है। तो ये आप लोगों के लिए एक नॉलेजेबल चीज़ है, और हम कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों के साथ इस तरह की बहुत सी वीडियोस को शेयर करते रहें। तो लेट्स सी, हमारी गार्निश रेडी हो चुकी है, मौज़म मलिक का मसाले की तरफ चले गए, मैं देख रहा हूँ मौज़म मलिक अब मसाले की भुनाई की तरफ आ गए। अच्छा, इसको ज़्यादा तेज़ हीट पे अगर आप पकाएंगे तो ये उछलेगा, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा व्यूअर्स। और इस आप लोग ऐसे अच्छे कपड़े पहन के, जो खवातीन कुकिंग करती हैं उन्हें चाहिए कि वो एप्रन वेयर कर ले, फिर बाद में ना कहना कि शेफ अज़नैन और मौज़म ने बताया नहीं। तो आज के बाद मैं अपने चैनल पे व्यूअर्स एक मज़ेदार बात आपको बताता चलूं कि मौज़म मलिक और हसनैन, हम दोनों शेफ हसनैन और शेफ मौज़म मलिक, हम दोनों का जॉइंट वेंचर हुआ करेगा और हम दोनों इकट्ठे वीडियोस शूट किया करेंगे। तो आज मैं आपको बिल्कुल भी कैमरे में नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आवाज़ आपकी जानी पहचानी है अपने शेफ हसनैन की। तो जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया उनसे मेरी हो जानी है लड़ाई, तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। इस तरह की अगर आप वीडियोस जो हम लोग नॉर्मली रूटीन कुकिंग करते हैं अगर वो देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हमारा ये मसाला यहाँ पे उबल रहा, बल्कि पक रहा है, सो इसकी मैं नेक्स्ट फॉर्म आपको थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। मौज़म मलिक इतनी देर इसका ढक्कन ले आएँ और इस पर कवर करके हम थोड़ी देर के लिए इसे कुक करेंगे। तो अभी आपको मैं इसकी नेक्स्ट फॉर्म दिखाता हूँ। जी तो व्यूवर्स देखें, अब मौज़म मलिक एक ना हिडन इंग्रेडिएंट डाल रहा है जो कि है ज़ीरा, पाकिस्तानी खानों की जान मैं तो कहता हूँ ज़ीरा। और इसमें थोड़ी सी हमने ब्लैक पेपर डाली है और इसमें हम ज़ीरा है और इसे हम इसे अब इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रश तो कर रहे हैं, इस चट्टू वट्टा भी बोला जाता है और यार पैसल स्टोन बोला है, पता नहीं क्या मेरे जहन में नहीं आ रहा, और कुंडी डंडा भी बोलते हैं अक्सर लोग। तो इसको बस हमने क्रश कर लेना, मतलब एक मिनट ज़रा रोकें, ये देखिए जैसे कि व्यूवर्स आप देख रहे हैं इसमें मोटा मोटा से इसको बस क्रश करना है, इसको पाउडर्ड नहीं करना। मौज़म कितना अच्छा लग रहा है ये देखें जी। तो व्यूवर्स इतनी देर हमने वहाँ पे हमारा मसाला आप जैसा कि देख रहे हैं बैक पे, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, ये हमारा मसाला यहाँ पे पक रहा है जनाब। और इसके बाद अभी हम इस ज़ीरे को ऐड करेंगे, लेकिन कब करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि इसका बहुत ही एक ट्रिक है और इसकी एक रॉकेट साइंस भी बोला जा सकता है कि इसकी एक साइंस है। ये देखें जी, मैं आपको मसाला ज़रा पकड़ के करीब से दिखा दूँ, क्रश्ड
फॉर्म में है, ठीक है। तो हम चलते हैं मौज़म मलिक, इसका ढक्कन हटाने लगे हैं और ये देखें जनाब, ये हमारा ऑयल ऊपर आ रहा है और बबल्स बन रहे हैं मज़ेदार किस्म के। और अब हम इसको मज़ीद कुक करेंगे, थोड़ी सी भुनाई करेंगे और इसमें मौज़म मलिक मेरे ख्याल से अब चिकन ऐड करना चाह रहे हैं। अच्छा, चिकन से पहले आप दही करेंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स, जैसा कि दही ऐड करने का भी पर्पज़ यहाँ पे ये है कि दही अपना पानी छोड़ेगा और चिकन उसमें सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए, मुझे आपकी लॉजिक पता है। तो व्यूअर्स, कुकिंग इज़ नॉट एज टफ जितना हम समझते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है भाई। मैं कहता हूँ कि खाना बनाना सिर्फ एक मेथड ऑफ कुकिंग आपको पता हो तो आप बहुत ज़बरदस्त कोई भी खाना बना सकते हैं। मैं आपको टॉप व्यू दिखा दूं, ये देखिए हमारा चिकन इसमें अब जा चुका है और अब ये इसमें खुद ही जो क्योंकि हमने फ्राई किया हुआ है तो ये इसी में अब दही में सॉफ्ट होगा। और ना व्यूअर्स, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। सीरियसली मैं बता तो सकता हूँ, टेस्ट आप खुद करेंगे जब आप बनाएंगे। और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपका खाना कैसा बना था और आपने क्या रिव्यू किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये ज़बरदस्त किस्म की, अब इसको हम थोड़ी देर और पकने देंगे ताकि हमारा चिकन सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद फिर हम बाकी इसकी गार्निशेज और इसको फाइनल टचेस जो हैं वो आपको दिखाएंगे। तो थोड़ी देर हम इसे और कवर करके पकाएंगे। जी तो मौज़म आज टिप ऑफ द डे भी दे दे, कोई कोई भी। टिप ऑफ द डे ये है कि खाना बनाना कोई इतना मुश्किल आर्ट नहीं है। खाना आप घर में बना सकते हैं पर लड़कियों ने आजकल कुछ ज़्यादा मुश्किल कर दिया। मैंने सब कुछ ब्लेंड किया, सब कुछ मिक्स किया। कुकिंग बेसिकली मेरा ख्याल है कि कुकिंग इज एन आर्ट, ठीक है। आपको शौक होना चाहिए पर आजकल लड़कियों को शौक नहीं है, लड़कों में हो रहा है वैसे ज़्यादा। ये है कि खाने का हमेशा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखें। खाना आंखें खाती हैं, फिर नाक खाता है और फिर मुंह में जाता है। ज़बरदस्त। तो जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौज़म मलिक ने हमें बहुत अच्छी सी टिप दी। जी तो व्यूअर्स, मैं हूँ आपका अपना शेफ हसनैन और जैसा कि आप देख रहे हैं आज मैंने आपके साथ बड़ी बेहतरीन किस्म की मौज़म मलिक की, शेफ मौज़म मलिक की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। और बेसिकली ये हम अपनी सहरी तैयार कर रहे थे, मैंने कहा चलो आज मैं अपने व्यूअर्स को ना थोड़ी सी रफ एंड टफ सी वीडियो, और जो पता नहीं आप लोगों को कैसा रिस्पॉन्स आता मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और मैं आपके साथ बेसिकली अपनी किचन लाइफ शेयर करने जा रहा हूँ और आज के बाद मैं और मौसम हम ज्वाइंट वेंचर करने वाले हैं। तो मौसम की और मेरी मिक्स रेसिपीज आपको मिला करेंगी और मैं अपनी डेली रूटीन में जो हम लोग रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं ना किया, लड़ाई हो जानी है बहुत हैवी किस्म की। तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से, ये कॉर्नर पे देखो यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद बाकी बातें सुनिए, ठीक है। और अब चलते हैं मौलम, इसको बाकी जो फर्दर इसका प्रोसीजर है हम वो भी देखते हैं। मौलम मलिक आज की रेसिपी मौलम मलिक को दे देते हैं, वो कंप्लीट इसको करें। तो आज मैं कुकिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पक पक कर रहा हूँ। सो बाकी मौलम के साथ। जी तो अब हम इसकी जरा मुंह दिखाई कराएं ना। ओ वाओ, इसका ऑयल आ गया ऊपर। और कुकिंग का तरीका और कुकिंग की निशानियां यही होती हैं कि अगर मसाले का ऑयल ऊपर आ गया है और वो हल्का हल्का सा सिमर कर रहा है, मज़ेदार खुशबू आ रही है तो अच्छा, वो तैयार हो गया। आज आपको एक सीक्रेट बताते हैं। जी जी, सीक्रेट ये है, आप लोग कुकिंग करते हुए ज़ीरा या ब्लैक पेपर या कुछ भी ऐसी चीज़ ऐड कर देते हैं जिससे आपका फूड का कलर टेक्स्चर ख़राब हो जाता है। जी तो आपने जो ये ब्लैक पेपर, जीरा, सूखा धनिया जो ऐसी चीज है ये आपने बाद में ऐड ऑन करी। सही सही, बिल्कुल जी। तो व्यूअर्स, जैसा कि मौज़म ने बताया आपको कि जो भी आपने चीज़ें ऐड करनी है वो बाद में करनी है। ड्राइड इंग्रेडिएंट जितने भी होते हैं मसाले जो कि हम खुशबू और फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं, जो उसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक के वो जो भी हाँ तकरीबन गरम मसाले के लिए भी यही कहा जाता है उसे एंड पे, वरना वो आपके जो ग्रेवी होती है उसका कलर ख़राब कर देगा। और अगर किसी चीज़ का कलर अच्छा नहीं है तो फिर वो हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया, बाद में नहीं कहना कि हमने बताया नहीं। यूट्यूबर्स नॉर्मली जो है यूट्यूबर्स कहते हैं कि हम लोग कोई इतना कोई चीज़ छुपा लेते हैं, आज देख लो हमने वो चीज़ दिखा दी। मैं इसमें पॉज भी नहीं ले रहा अपनी वीडियो में कि भाई हम ऐसे ही बनाते हैं और ऐसे ही दिखाते हैं। चलें तो नेक्स्ट मौज़म इसमें ऐड कर रहे हैं जिंजर, जो हमने जूलियन किया था मौज़म ने खुद,
और इसको बेसिकली गार्निश भी कहेंगे। और इसको थोड़ी देर, क्योंकि हमने अभी दम पे छोड़ना है, तो ये जो जिंजर है थोड़ा सा कुक्ड हो जाएगा, थोड़ा सा अपना सॉफ्ट भी हो जाएगा और अपना फ्लेवर और खुशबू इसमें ग्रेवी में दे देगा। तो इसके बाद अब ये ग्रीन चिलीज हैं ये ऐड कर दी हैं और ठीक हो गया। अच्छा जी, और ये मिंट भी इसमें एंड पे हमने ऐड किया। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त। ये जैसा कि आपको इसकी शक्ल से पता चल रहा होगा कि ये बहुत ही कोई मज़ेदार सी चीज़ बन चुकी है, और इसको हमने खाना है गरम गरम पराठों के साथ। तो आप भी इसको ट्राई करें। थोड़ा सा मैंने ग्रेवी में रखा क्योंकि सुबह सहरी में ऑब्वियसली बंदा कहता है थोड़ा सा ग्रेवी वाला फूड हो, तो ये थोड़ा सा हमने ग्रेवी फॉर्म में रखा है। तो बड़े सिंपल से इंग्रेडिएंट, बहुत ही हमने घर में अवेलेबल है, तो ये वो चीज़ों से हमने खाना बनाया जो आप लोगों के पास घर में मौजूद हैं। लेकिन थोड़ा सा मेथड हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा हम लोग ट्रिक्स लगा लेते हैं अपने फूड मेकिंग में। तो बाकी इसको अब हम थोड़ी देर के लिए दम देंगे, तो इसको कवर कर देते हैं। कवर किया जी, ओके, मैं फ्लेम दिखा भी देता हूँ। ओके व्यूअर्स, ये देखिए जी, हमारा फ्लेम बिल्कुल लेस है। ओके जी, तो व्यूअर्स अब हमने दम दे दिया। इसके इंग्रेडिएंट्स जो हमने ऊपर डाले थे, हाँ जी, तो हमें जरा इसकी मुंह दिखाई कराए ना मौजूद। अच्छा। जल्दी से मैं उफ खुदाया यार, ये आपको व्यूअर्स मैं ना इसकी खुशबू सुंघा नहीं सकता, लेकिन जब आप बनाएंगे ना तो मुझे आपने खुद आपने बताना। और इसका कलर देखे कितना यम हो गया, इसका ऑयल सारा ऊपर आ चुका है, इसकी ग्रेवी में से पानी ख़त्म हो चुका है, और ये सारे जितने भी मसाले थे वो एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं और अपना फ्लेवर दे चुके हैं। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। और जी, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं डिश आउट हो रहा है और बाउल में निकाल रहा है मौसम, बहुत ही मज़े का। मुझे तो यकीन करें मुझे भूख लग गई है, लेकिन मैंने अभी खाना नहीं खाना क्योंकि मैंने सहरी करनी है। तो अब हम सहरी में इसको खाएंगे। ये देखें जी, हम इसको निकाल चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा चिकन मेरे ख्याल से तो बहुत जूसी और टेंडर हो गया होगा। और चिकन को फ्राई करने का मकसद ये होता है कि ज़रा उसकी जो हमक और उसके ना, जो मुझे पता नहीं क्यों सॉफ्ट चिकन पसंद नहीं है। तो अब इसको गार्निश करते हैं। और देखें जी, मैं आज आपको दिखा रहा हूँ प्रॉपरली विदाउट एडिटिंग वीडियो, और विदाउट एडिटिंग वीडियो का मतलब है कि हम जो कर रहे हैं वो वैसा ही है, करते भी ऐसा है। और मैं जो आपको एडिटेड वीडियोस भी दिखाता हूँ वो भी बेसिकली मेरा कंसर्न होता है कि मैं ओरिजिनल चीज़ दिखाऊं। तो ये हमारा इसकी गार्निशेस हो रही हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं इस पर हमने जिंजर डाल दिया है, ग्रीन चिलीज डाल दी हैं। तो बाकी अब हम दिखाते हैं आपको इसका रिव्यू अपने बॉस से, हम उन्हें ट्राई कराते हैं, तो लेट्स सी उनकी तरफ चलते हैं। जी तो व्यूअर्स, चलते हैं अब हम इसका रिव्यू लेने। चलें भाई, मौज़ा आए जी। तो अब हम जा रहे हैं अपना रिव्यू लेने मौज़म। और भाई, हमें आपका एक मिनट चाहिए, हमने आज एक फूड बनाया, हम आपका रिव्यू लेना चाहते हैं, और हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं कि हमारे बॉस का हमारे बारे में क्या रिव्यू है हमारे खानों का। जल्दी से इसको टेस्ट करें और अपने हमें वर्ड्स ऑफ माउथ दे दें। जल्दी से, क्विक। क्या कहेंगे जल्दी से? जबरदस्त। तो आप इसको कितने मार्क्स दे रहे हैं जल्दी से बताएं? यार, रमजान के हिसाब से तो 10 out of 10 है भाई। थैंक यू जी। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के एंड की तरफ। शेफ मौज़म, आप हाथ दिला दें और बाकी की बातें बाद में। तो अपना रिव्यू दे के मुझे ज़रूर बताइएगा व्यूअर्स के आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।